काशीपुर के सुभाष नगर के पास महिला आईटीआई शुगर मिल रोड पर देसी शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। काशीपुर में शराब दुकान के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। आबादी वाले क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे समाज के साथ पास ही के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वार्ड पार्षद मोनू चौधरी का कहना है कि इस तरह किसी भी आबादी वाली जगह पर शराब की दुकान खोले जाने का सभी लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया है। मामला ये है कि ये एक मोहल्ला बस्ती है जहाँ पर सब लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बस स्कूल की बसें जाती हैं, जहाँ पे एक देसी मदिरा की दुकान खोली जा रही है, जिसका हम लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये नशे का कारोबार है। यहाँ पे असमानता बढ़ेगी, नशे के लोग आएंगे, चोरी चकारियाँ बढ़ेंगी, जो बस्ती में बहुत ही खतरनाक साबित होंगी, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत अस्तव्यस्त रहेगी व्यवस्था। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दुकान अभी हटे, आज हटे, और हम इसे बिल्कुल भी विरोध करें, खुले नहीं रहे। मेरा ये कहना है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे आगे यहाँ पे जमाना है, अपना काम करना है, मेरे पेशेंट कैसे आएंगे अगर यहाँ पे दारू का ठेका और ये सारे गलत काम होंगे, कोई पेशेंट यहाँ नहीं आएगा। तो मुझे और ये एरिया के लिए, इस जगह के लिए, यहाँ की लेडीज के लिए, किसी के लिए भी ये जगह मतलब इस चीज के लिए सही नहीं है। इसको जो भी काम करना है, जिसको भी ठेका खोलना है, कहीं और जहाँ रेसिडेंशियल एरिया ना हो, जहाँ लोग रहते ना हो, थोड़ा सा दूरी हो, बच्चे हैं, स्कूल है आसपास में, ये सारी चीज़ें गलत इफेक्ट जाएगा लोगों को। शासन की नाक के नीचे ये ठेका आवंटित हुआ है, जो कि चैती चौराहे पे आवंटित है। सब सारी जानकारी वेबसाइट पे मौजूद है और प्रशासन की जानकारी के मौजूद में ये 2 किलोमीटर शिफ्ट किया गया, रिलोकेट किया गया है ठेका, जो कि चैती चौराहे पे है, और अब ये रिहायशी इलाके में खोला जाएगा। यहाँ पर बगल में उल्टे हाथ पे जन औषधि केंद्र है, सीधे हाथ पे दंत चिकित्सालय है, बच्चे यहाँ सुबह को स्कूल जाते हैं पैदल, और रोड भी बहुत छोटी रोड है ये, तो जिस हिसाब से सुरक्षा के हिसाब से ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।